कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कौन कब बाजी पलट दे कोई नहीं जानता। इस बार के T20 वर्ल्ड कप में यही हो रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को पीट रही है तो कनाडा आयरलैंड को और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को। ये सब देखने के बाद तो यही समझ आ रहा है कि भारत की रोहित ब्रिगेड सावधान हो जाए। किसी को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो देखने में छोटा लगता है वही घाव गंभीर करता है, ये भोजपुरी की कहावत है। इसलिए किसी को कम आंकने की जरूरत नहीं है, अपने खेल में धार देने की जरूरत है। जितनी अच्छी जीत होगी उतनी अच्छी शुरुआत होगी। भारत का पहला मुकाबला 9 जून रविवार को पाकिस्तान के साथ होना है। पाकिस्तान को पहले ही अमेरिकी ब्रिगेड हरा चुकी है, जिसमें आधे से अधिक भारतीय खिलाड़ी हैं जो भारत में अंडर 19 खेल चुके हैं। चौंकाने वाली बात तो तब हो गई जब आयरलैंड को नई नवेली कनाडा की टीम ने मात दे दी। इसके अलावा बांग्लादेश ने श्रीलंका को पटकनी दे दी। ऐसे में भारतीय टीम को सावधान, सजग और सतर्क रहना होगा, क्योंकि कम आंकना भारी पड़ सकता है। साल 2009 T20 वर्ल्ड कप विजेता पाकिस्तान को जिस तरह से अमेरिका ने 5 रनों से मात दी, काफी चौंकाने वाला रहा। ऐसा ही अफगानिस्तान की टीम ने मजबूत न्यूजीलैंड के साथ उलटफेर कर दिया। 8 जून को गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 84 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज की। खास बात यह है कि न्यूजीलैंड पर अफगानिस्तान की यह T20 क्रिकेट इतिहास में पहली जीत है। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में पहली बार हराया है। वहीं दूसरी ओर T20 वर्ल्ड कप मैच में न्यूजीलैंड की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार भी है। इस मैच में अफगानिस्तान की टीम के जीत के हीरो रहमानतुल्लाह गुरबाज रहे, जिन्होंने 56 गेंदों पर 80 रनों की पारी खेली, उनको प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। वहीं इब्राहिम जारदान ने भी 44 रन बनाए। दरअसल टॉस जीतने के बाद न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, जिस पर अफगानिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में 160 रन बनाए। 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम पहले ओवर की पहली गेंद पर लड़खड़ाती नजर आई। पहले ओवर की पहली गेंद पर फिन एलन को फजल हक फारूकी ने शानदार इन स्विंग गेंद पर क्लीन बॉल कर दिया। न्यूजीलैंड की एक तरफ से बोनी खराब हुई तो इसका असर पूरे बल्लेबाजी क्रम पर दिखा। इसके बाद तो कीवी टीम के बल्लेबाज सुचल में आया वाली तर्ज पर लगातार आउट होते गए। शुरुआती बल्लेबाजों को जहां फारूकी ने निपटाया, तो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर की कमर कप्तान रशीद खान और मोहम्मद नबी ने तोड़ दी। न्यूजीलैंड की टीम पूरे ओवर्स नहीं खेल पाई और महज 15.2 ओवर्स में 75 रन पर ऑल आउट हो गई। ऐसे में भारतीय जवानों को सावधान रहना होगा। सलाह यही है कि किसी टीम को कम आंकने की जरूरत नहीं है, अपने खेल पर फोकस करना है और ट्रॉफी साथ लेकर आनी है। सभी भारतीयों की तरफ से शुभकामनाएं। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।